अरे सुनिए, एग्जिट पोल देख लिए ना गोदी मीडिया वाला, तो आइए अब उसकी सच्चाई भी देख लीजिए। एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, बल्कि कम से कम 2 दर्जन सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं। इन सारे सबूतों को देखने के बाद आपकी जबान से टप से निकल पड़ेगा कि ये एग्जिट पोल है या फेक्जिट पोल है या फिर फिक्सिट पोल है। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको गोदी मीडिया का पिछले कई घंटों से चलाया जा रहा नैरेटिव साफ साफ समझ में आ जाएगा कि इस देश में क्या कुछ चल रहा है या चलाया जा रहा है। किस तरीके से देश के 140 करोड़ आबादी को टोपी पहनाने का प्रयास सालों से निरंतर चला आ रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अभी इसे लाइक कर दीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा, पूरा पूरा देखिएगा। मसला बड़ा गंभीर है तथा चिंताजनक भी है, और देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि गोदी मीडिया की साजिशों का पर्दाफाश जनता तक पहुंच सके और लोग पूरे मामले को समझ पाएं। 1 जून 2024 को शाम के समय जैसे ही 7वें चरण की वोटिंग समाप्त हुई, पूरे देश का गोदी मीडिया एक तरफ से जुट गया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 350 सीटें देने में। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि गोदी मीडिया पर इन आंकड़ों को दिखाए जाने से पहले ही ये पोल खुल चुकी थी, और लगभग एक दिन पहले ही पोल खुल चुकी थी कि भाजपा नेता नरेंद्र मोदी की टीम के सदस्यों ने गोदी मीडिया को सारे आंकड़े बता दिए हैं कि किन आंकड़ों को लेकर 4 तारीख से पहले तक बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना है और दिन रात उसी को लेकर चिल्लाना है। सोचिए, एग्जिट पोल पूरी वोटिंग होने के बाद किया जाता है, मगर यहाँ कहानी सामने आई है कि आंकड़े पहले दिन से ही दे दिए गए थे तथा वरिष्ठ पत्रकारों का मानना यह है कि आंकड़े 1 जून से पहले नहीं, यानी 30-31 मई को नहीं, बल्कि महीनों पहले तैयार कर लिए गए थे कि एग्जिट पोल में क्या दिखाना है। यानी उधर भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया, उसी समय ये आंकड़े एग्जिट पोल के लिए तैयार कर लिए गए थे ताकि वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल के माध्यम से एकतरफा माहौल बनाने की कोशिश की जाए और उसी माहौल में खेला कर लिया जाए। विपक्ष के तमाम नेताओं ने एग्जिट पोल पर क्या कुछ कहा है उस पर भी बात करेंगे, कांग्रेस और अखिलेश यादव ने और बिहार वालों ने क्या कुछ कहा है उस पर बात करेंगे, महाराष्ट्र से क्या आवाज आई है वो भी बताएंगे। मगर उससे पहले जरा एग्जिट पोल का इतिहास देख लीजिए। धरती पर एक जानवर होता है जिसे आप बार बार डंडा मारकर भगाएं, फिर से वो बार बार लौटकर आ जाता है और पहले की तरह ही जोर शोर से आता है। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं होती कि पहले वो मारकर भगाया जा चुका है। उस जानवर का नाम क्या है मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कुछ वैसे ही कहानी एग्जिट पोल की है। बार बार लात खाए जाने के बाद भी, बार बार बेइज्जत होने के बाद भी ये एग्जिट पोल आता रहता है और गोदी मीडिया के लपड़झंडी इसको लेकर चिल्लाते रहते हैं। दरअसल इसके पीछे पैसे का लंबा चौड़ा गेम बताया जाता है और अब तो सट्टा बाजार की लंबी चौड़ी कहानियां भी चलती हैं। यानी चुनाव पूरी तरह से पैसे और नंबर का गेम हो चुका है, सब कुछ सेटिंग के तहत होता हुआ नजर आता है। अब आप संक्षेप में पिछले कुछ चुनाव का एग्जिट पोल देख लीजिए। एग्जिट पोल का मतलब है कि आप 10 15 20 सीटों का अंतर बता दें, आकलन करें, अनुमान लगाएं तो बात समझ में आती है। अब यदि कोई 50 सीट 60 सीट 70 सीट का अंतर बता दे कि यहां से लेकर वहां तक हो जाएगा, तब तो यह आकलन सड़क पर चलता हुआ कोई भी आदमी दे सकता है, फिर तुम्हारे सर्वे का क्या मतलब है। साल 2014 से ही शुरुआत करें तो साल 2014 में ज्यादातर एग्जिट पोल ने एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी वाले गठबंधन को 261 से 289 सीटें दी थी, मगर एनडीए की सीटें आई 336, जबकि ये अधिकतम से 47 अधिक है। कांग्रेस को यहां पर किसी ने भी 44 तक आते हुए नहीं बताया था। बहुत सारे एग्जिट पोल में 100 के पार बताया गया था, मगर कांग्रेस 44 सीट पर अटक गई। उसी तरह से 2019 में भी जो तमाम एग्जिट पोल्स का सर्वे था उसका औसत 306 आया था एनडीए के लिए, जबकि रिजल्ट 353 का था। कितना लंबा चौड़ा अंतर है इसे भी देख लीजिए। 2019 के चुनाव में यूपीए गठबंधन को ज्यादातर एग्जिट पोल में 125 से अधिक सीटें दी गई और कुछ ने तो 164 सीट तक बता दिया था, मगर रिजल्ट आया तो यूपीए को मात्र 93 सीटें मिली। 2009 के चुनाव को भी यदि आप देख लें तो इसमें भी यूपीए गठबंधन को 195 तथा एनडीए को 185 सीटें दी गई थी ज्यादातर एग्जिट पोल में, मगर रिजल्ट आया तो यूपीए 262 पर थी और एनडीए 158 पर। यानी एग्जिट पोल ने पूरे यूपीए को जितनी सीटें दी थी अकेले कांग्रेस ने उससे 11 सीटें जीत ली। इसी तरह से यदि आप साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो कई एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा की बात कही गई, मगर भाजपा ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की और 325 सीटें हासिल की। 2015 में ही बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल ने भी आरजेडी वाले महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिखाया था, मगर रिजल्ट वैसा नहीं रहा। 2015 में ही दिल्ली में लगभग सभी एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिखाया, लेकिन अधिकतम 48 सीटें ही दी गई थी और सबका एवरेज मिलाने पर 43 सीट हो रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें हासिल हुई, यानी मात्र 3 सीटें दूसरों को गई, बीजेपी को गई। यानी एग्जिट पोल के एवरेज से 24 सीट ज्यादा आम आदमी पार्टी जीत कर आई। अब जहां कुल 70 सीटें ही हों वहां पर एग्जिट पोल में 24 का अंतर आ जाए एग्जिट पोल और रिजल्ट में, तो फिर इसका क्या मतलब है?
है कि सब ऑफिस में ही बैठकर बनाया गया है, जमीन पर हालात क्या है एग्जिट पोल देने वालों को कुछ भी पता नहीं था। इसी तरह से 2023 के छत्तीसगढ़ चुनाव को यदि याद कर लें तो ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को आसान जीत दिखाई गई, मगर यहां बीजेपी ने बाजी मार ली और 50 सीट जीत कर आ गई। मध्य प्रदेश में भी 3 एग्जिट पोल को छोड़ दिया जाए तो सबने बीजेपी को पीछे दिखाया। बहुतों ने तो कांग्रेस को सरकार बनाते दिखाया था, मगर भाजपा ने यहां पर इतिहास बना दिया। सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, लगभग सारे फेल हो गए। हालांकि विधानसभा के इन चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठे और गोदी मीडिया के एग्जिट पोल डिस्कशन पर भी संदेह जताया गया। हाल ही में आपने देखा कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कैसा माहौल बना रही थी, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी ने भी कांग्रेस को बहुमत नहीं दिया, जबकि बीजेपी को बहुमत के करीब दिखाया गया, मगर जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटें जीतकर अपने पक्ष में ले ली और बीजेपी को मात्र 66 सीट पर ही जीत मिली। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, एकमात्र सी वोटर था जिसने बीजेपी को 66 से 86 बताया था, मगर कांग्रेस के मामले में वो पूरी तरह से फेल हो गया। उसने कांग्रेस को सिर्फ 81 से 101 सीटें दी, जबकि कांग्रेस 135 सीट जीतकर आई, यानी सीधे सीधे 32-33 सीटों का अंतर। मगर इसके अलावा तमाम सर्वे एजेंसियों का पोल पूरी तरह से फेल नजर आया, जिसका धरातल से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आइए अब जरा पश्चिम बंगाल की कहानी सुन लीजिए। यहां 2021 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और देखिए जितने भी एग्जिट पोल हैं किसी ने भी टीएमसी को 200 तक पहुंचने नहीं दिया था। मैक्सिमम 172 सीट बताई गई थी, जबकि टीएमसी 215 सीटें जीतकर आई। वहीं जब आप बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी को इन लोगों ने टीएमसी से आगे करते हुए 192 सीटों तक पहुंचा दिया, यानी टीएमसी को अधिकतम दिया गया 172 और बीजेपी को दिया गया अधिकतम 192, यानी टीएमसी से भी आगे बीजेपी को दिखाया गया। जबकि परिणाम आने पर पता चला कि बीजेपी 77 पर ही अटक गई और टीएमसी 215 पर पहुंच गई। यानी अब तक के जितने भी एग्जिट पोल आपने देखे ज्यादातर में एग्जिट पोल का रिजल्ट से कोई लेना देना नजर नहीं आया और पश्चिम बंगाल में तो गजब हो गया। इसे फेल होना नहीं बल्कि लात खाना कहा जाता है। इतनी बुरी तरह से कोई कैसे फेल हो सकता है? सोचिए, सबने बीजेपी को आगे दिखाया, टीएमसी को पीछे दिखाया, मगर रिजल्ट आए तो पता चला कि टीएमसी की सीटें बीजेपी से लगभग 3 गुनी हो गई। कहां 215 और कहां 77। मगर परिणाम से पहले का गोदी मीडिया का डिबेट उठाकर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि कितना जबरदस्त माहौल बनाया गया था। बात एग्जिट पोल की हो या फिर गोदी मीडिया के लपट झंडिसों की, सब एक से बढ़कर एक नमूने हैं। हर चुनाव से पहले नमूना दिखाने आते हैं, ज्यादातर चुनाव में लात खाते हैं, मगर फिर से नमूना दिखाने आ जाते हैं। कायदे से कहा जाए तो एग्जिट पोल देने वालों और ये सर्वे करने वाली कंपनियों पर जुर्माना ठोका जाना चाहिए कि इतना बड़ा बड़ा अंतर कैसे आ जाता है। यदि तुम सटीक अंतर नहीं बता सकते हो, सटीक एग्जिट पोल दे सकते हो, तो ये फर्जीवाड़ा बंद करो। इनसे पूछा जाना चाहिए कि ये लोग लगातार इतना झूठ क्यों बोलते हैं, आखिर इतना बड़ा अंतर कैसे आ जाता है। बड़े बड़े टीवी स्टूडियो में बैठकर बढ़िया-बढ़िया कपड़ा पहनकर बैठ जाने से क्या झूठ बोलने और बरगलाने का लाइसेंस मिल जाता है? कुल मिलाकर एग्जिट पोल की कहानी जब आप देखेंगे और उस पर गोदी मीडिया के लपट झंडिसों का डांस करना देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मीडिया हाउस अब मीडिया हाउस नहीं बल्कि बाजार बन चुका है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। कई बार स्टिंग ऑपरेशन में भी पता चला कि सर्वे करने वाली एजेंसियां से लेकर अलग अलग नेताओं और पार्टियों के लिए एग्जिट पोल उनके पक्ष में तैयार कर देती हैं। चूंकि एग्जिट पोल का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसे लेकर जो वीडियो है वो बड़े बड़े चैनलों का है, इसलिए हम उसे आपको दिखा नहीं सकते। आइए अब बात करते हैं 2024 के एग्जिट पोल में गोदी मीडिया कौन कौन से फर्जी आंकड़े दिखा रहा है। कुछ ऐसी चीजें भी दिखा रहा है जो असंभव है, जिन्हें अंधभक्त भी कह देगा कि ये वाला कैसे हो सकता है जी। अपनी स्क्रीन पर इंडिया टुडे का ये आंकड़ा देखिए। बिहार में इसने एलजेपी को 4 से 6 सीटें दे दी हैं, जबकि एलजेपी केवल 5 ही सीट पर चुनाव लड़ रही है। झारखंड में सीपीआईएम को न्यूज नेशन ने 2 से 3 सीटें दे दी हैं, जबकि सीपीआईएम झारखंड में मात्र 1 सीट पर ही चुनाव लड़ रहा है। इसी तरह से हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें ही हैं, लेकिन एग्जिट पोल में जी न्यूज वालों ने 13 से 15 सीट दे दी है और न्यूज 24 ने तो छप्पर फाड़ दिया। राजस्थान में बीजेपी को 33 सीट दे दी है, जबकि सीट 25 ही है। सोचिए, जिस हरियाणा में कुल 10 सीट ही है वहां पर जी न्यूज वालों ने 16 से 19 सीट दे दिया और ऊपर से इंडिया गठबंधन को भी 2-4 सीट दे रहे हैं, यानी सीट है 10 और दे रहे 20 के पार। इंडिया टुडे वाले भी 10 में से 13-15 सीट दे रहे हैं बीजेपी को। न्यूज 24 ने तो कमाल ही कर दिया, 25 में से 33 सीट दे दी। कुछ ऐसी ही कहानी महाराष्ट्र को लेकर भी सामने आ रही है। इंडिया टुडे ने यहां बीजेपी को 20 से 22 सीटें दी हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी को 8 से 10, जबकि वो मात्र 15 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 13 सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी के खिलाफ है, जो कि कुल 21 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जितनी सीट है ही नहीं उतनी सीट गोदी मीडिया वाले बांट कैसे रहे हैं?
पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने 370 प्लस और 400 प्लस का नारा दिया, तब भी हमने कहा था कि ये बताइए ये 400 आएगा कहां से, पाकिस्तान से कि चीन से, किस राज्य में कितनी सीट बढ़ जाएगी, इसका आंकलन तो दे दीजिए, तब बेहतर होता बात करने में। अब चूंकि गोदी मीडिया 360 पार का नारा दे रहा है तो कहीं ना कहीं से आंकड़े तो जोड़ जाड़ के पूरा करना ही पड़ेगा ना। इसी तरह से न्यूज 24 का उत्तराखंड का मामला देख लीजिए, इसने बीजेपी को 5 ± 1 दे दिया है। सवाल यह है कि माइनस तो ठीक है, 5 में से घट जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस कैसे हो जाएगा? क्या 6 सीटें हो जाएंगी उत्तराखंड में? वहां पर सीट तो कुल मिलाकर 5 ही है, यानी कुल मिलाकर गोदी मीडिया को 2-3 दिन का टारगेट दे दिया गया है कि किसी भी तरीके से एक ही आंकड़ा बार बार स्क्रीन पर दिखाकर भाजपा को जिताते हुए बताओ, जिससे माहौल टाइट रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि 2-3 दिन के लिए माहौल टाइट करके मिलेगा क्या, 4 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि जब टीवी दिन रात किसी पार्टी को यानी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवाता रहेगा तो उस पार्टी के लोगों को मदद मिलेगी मतगणना से पहले अधिकारियों को डराने धमकाने और दबाव बनाने के लिए। कल ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निवर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन के भीतर देश भर के 150 डीएम और कलेक्टर को फोन करके धमकी दी है, यानी उन्हें डराने का प्रयास किया जा रहा है कि भाजपा के पक्ष में काम करना है। एक्स पर मनीष सिंह लिखते हैं कि अब बीजेपी के सारे दांव फेल हो चुके हैं, पहले पानी की तरह पैसा बहाया गया, इसके बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, कहना पड़ा कि संविधान नहीं बदला जाएगा, योगी को नहीं बदला जाएगा, फिर भी काम नहीं बना। दरअसल बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता तक घबराहट और परेशानी में दिख रहा है। उधर कुछ करोड़ वोटिंग बढ़ने के बावजूद विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता पूरे जोश और आत्मविश्वास से लबरेज हैं। अब दो ही दांव बचे हैं, उनमें से एक यूज हो चुका है एग्जिट पोल का, क्योंकि एग्जिट पोल से ही तो तिजोरी चोर के आखिरी दांव का रास्ता खुलेगा। दरअसल एग्जिट पोल आम जनता से ज्यादा अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए होता है। 4 तारीख को भी यही किया जाएगा। काउंटिंग वाले दिन सुबह 10-11 बजे ही टीवी पर बीजेपी या एनडीए को 350 सीट दिखाई जाएगी। ये आखिरी दांव है, अंतिम माइंड गेम है, ऐसा पहले भी कई बार किया जा चुका है। इससे अधिकारी डर जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, टीवी देखकर मान लेते हैं कि फला पार्टी की सरकार बन रही है तो एकाध सीट पे मदद करके गुड बुक में आ जाएंगे, नहीं किया तो कहर टूटेगा। यानी अधिकारी इस बात से डर जाते हैं कि टीवी वाले इस पार्टी की सरकार बना रहे हैं तो हम भी इस पार्टी की थोड़ी सी मदद कर दें जीतने में काउंटिंग के दौरान, तो सत्ता में आने पर हमें कुछ लाभ मिल सकता है, मदद नहीं की तो नुकसान हो सकता है। आगे उन्होंने लिखा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की काउंटिंग में भी यही हुआ था, टीवी ने 9:30 बजे सुबह से ही बीजेपी को 350 पार पहुंचा दिया था, बाद में धीरे धीरे घटाते रहे और बीजेपी 255 में ही सिमट गई। सोचिए 100 सीटों का अंतर, इस अंतिम आंकड़े में 50 से अधिक सीटों का फायदा सिर्फ भोकाल बनाने से हुआ, क्योंकि प्रशासन की कृपा से सत्तारूढ़ दल कई हारी हुई सीट जीत गई। अभी कल ही मैंने एक लाइव वीडियो में आपसे बताया था कि यूपी विधानसभा चुनाव करवाए हुए और 2024 के चुनाव में ड्यूटी कर रहे कुछ अधिकारियों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में जबरदस्त तरीके से खेल हुआ तथा समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार 50,000 वोटों से जीत सकता था उसे 10,000 से वोटों से हरा दिया गया, और ये तो एक जगह की बात थी। चूंकि गोदी मीडिया सुबह से ही चिल्लाने लगा था कि बीजेपी 350 पार सबको लगा, सारे अधिकारियों को लगा, वो डर गए कि यही तो आ रहे हैं, हमको परेशान न करें बाद में, इसलिए आज इनकी मदद कर दें। अब यदि एक एक सीट पर ऐसे ही अधिकारी मदद करते रहे तो सोचिए आंकड़ा कितना बढ़ गया, 350 पार दिखाया जा रहा था और अंतिम रिजल्ट 255 पर आ गया, यानी लगभग 95 सीट कम रही। आगे मनीष सिंह लिखते हैं कि दांव तो कई और रिजल्ट आने के बाद भी चले जाएंगे, लेकिन इस बार सभी दांव उल्टे साबित होंगे, ये पक्का है। अब केवल विपक्ष के कार्यकर्ता कानों में रुई डालकर काउंटिंग में न जाएं, एक एक मशीन उसका सीरियल नंबर, पेपर सील, बैलेट बैटरी नंबर, वोट को फॉर्म 17C से मिलाएं, इत्मीनान से आराम से जांच परख कर और दबाव में आए बिना डरे काम करें। आम जनता को भी भारी संख्या में काउंटिंग स्थल पर जमे रहना चाहिए तथा अंत तक टिके रहना चाहिए। काउंटिंग स्थल पर क्या करना है, किस तरह से करना है, इस पर दूसरी वीडियो में विस्तार से मैं बात करूंगा, खासकर जो काउंटिंग एजेंट होंगे उनसे उनके बारे में बात की जाएगी। उस वीडियो को आप सभी दर्शक बेहद ध्यान से देखिएगा। फिलहाल केवल एग्जिट पोल पर बात करते हैं। कांग्रेस ने गोदी मीडिया के एग्जिट पोल को सिरे से निकाल दिया है और उनका कहना है कि 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे उनमें धरती आसमान का फर्क होगा, ये सर्वे का एग्जिट पोल नहीं बल्कि भाजपा का एग्जिट पोल है, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है। कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि उन्हें कम से कम 295 सीटें मिलने जा रही हैं। मोदी पोल इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है, ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। जिस व्यक्ति का एग्जिट 4 जून को तय है उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं, ये बिल्कुल जाली हैं, बिल्कुल नकली हैं, बिल्कुल झूठे हैं। इंडिया जनबंधन के पार्टियों को
295 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है। 295 सीटों के ऊपर ही इंडिया जनबंधन के पार्टियों को मिलेगा। ये एग्जिट पोल फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, और धमकी दिया जा रहा है, एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम वापस लौट आ रहे हैं। हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। और ये जो प्रयास है निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री कर रहे हैं, हमारे जो हौसला है उसको कमजोर करने में, वो बिल्कुल विफल होंगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल जी ने हमारे सारे उम्मीदवारों के साथ जूम से बात की और बिल्कुल साफ हो गया है कि इंडिया जनबंधन को, और कल सभी इंडिया जनबंधन की पार्टियों भी मिली थी खड़गे जी के घर में, और हर एक राज्य में जो जमीनी स्थिति है उस पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई, और सभी का यही मानना था कि 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को मिलने वाला नहीं है, इससे ज्यादा ही मिलेगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा है कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं बल्कि डीएम है। प्रशासन याद रखे, जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं कि एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके, जनता में माहौल बनाया जा सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों पर चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपा ही सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे न होते और सच में भाजपा हार नहीं रही होती तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम न लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयान कर रहे हैं। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरफ बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक न करें। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय का उत्सव मनाएं। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि एग्जिट पोल का अनुमान कॉर्पोरेट गेम है, आप उन्हें पैसा दीजिए वो आपके हक में नंबर दिखा देंगे। इंडिया गठबंधन 295 से लेकर 310 सीटें लेकर आ रहा है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार लिख रहे हैं कि 4 जून को होगा मुकाबला, रहे तैयार, बाखबर होशियार। एग्जिट पोल अविश्वसनीय है, खुद उन पोलिस्टर्स के लिए भी जो कल तक कांटे का मुकाबला बता रहे थे। नरेंद्र मोदी के लिए भी अविश्वसनीय है, जिन्होंने कहा था कि विपक्ष को झांसा देने के लिए 400 पार का नारा दिया था। ऐसा लगता है मानो कैच आउट को भी छक्का बताने के लिए अंपायर को मजबूर किया गया हो। मगर चुनाव नतीजे ड्रेसिंग रूम में तय नहीं हो सकते, चुनाव मैदान में तय होगा जो हो चुका है। काउंटिंग की जंग लड़नी है, विपक्ष कमर कस चुका है। उधर गोदी मीडिया विपक्ष के यानी जनता के मुद्दों का मजाक बना रहा है। आज तक के स्टूडियो में बैठकर अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी जैसे लपरझंडिस कह रहे हैं कि विपक्ष का मुद्दा फर्जी था। अंजना ओम कश्यप कह रही है कि छोड़िए, इन लोगों को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। यानी सीधे सीधे गोदी मीडिया देश की जनता के मुद्दों को यानी जनता को ही नकार रही है और जनता का मजाक बनाया जा रहा है। वैसे समझने वाली बात यह भी है कि ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, ये दिखा कौन रहा है? वही गोदी मीडिया दिखा रहा है ना, जो पिछले 12 साल से देश में आग लगा रहा है, दिन पर दिन झूठ बोलता है। ये वही सुधीर चौधरी है ना, जो जिहाद के प्रकार बताता है। 2000 के नोट में नैनो चिप इन्हीं सुधीर चौधरी ने दिखाया था, आज तक पता नहीं चला उसका। तो फिर इन पर भरोसा करना या फिर इनकी बात सुनना भी अपने आप में बेवकूफी कही जा सकती है। इन लोगों की क्या कोई क्रेडिबिलिटी बची है जो कोई इन पर बात करे, भरोसा करे? कर्नाटक में ये लोग बीजेपी को फिलहाल 22 सीटें दे रहे हैं और कांग्रेस को 3। सोचिए, पिछले ही साल जिस कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है,
बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, जहां पर हाल ही में अनुमान लगाया जा रहा था अब तक कि कांग्रेस आधे से अधिक सीटें जीत सकती है। वहां के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का दावा है कि हम 20 से अधिक जीत पाएंगे। जहां पर जल रवन्ना का कांड इतना बड़ा हो गया वो भी चुनाव के बीच में, वहां पर क्या ये आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी 22 से 24 सीटें जीतने की स्थिति में है? जमीनी रिपोर्ट और एग्जिट पोल में इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है? बहरहाल जो भी होगा 4 तारीख को पता चल ही जाएगा। गोदी मीडिया जो दिखा रहा है उसकी हकीकत क्या है वो सब कुछ 4 तारीख को सामने आ जाएगा। मगर फिलहाल जितने सबूत हमने आपको दिखाए वो इस बात के लिए पर्याप्त हैं कि इन एग्जिट पोल्स पर किसी भी रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता। बार बार फेल होते आए हैं, इनके फेलियर की लंबी फहरिस्त है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए, खासकर कार्यकर्ताओं को शेयर करिए जो वोटिंग के दौरान मौजूद रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।